today. In previous class, we read about the drainage system of India. जैसा कि पिछली कक्षा में हमने भारत की प्रवाह प्रणाली के बारे में पढ़ा, इसमें हमने देखा कि जो प्रवाह प्रणाली है वो क्या कहलाती है. What is drainage? Then drainage is a term which is thames and locate or describe the then river area or river drainage area means के जो ड्रेनेज है वह एक शब्द है जो किस चीज़ को दर्शाता है. डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम है कि जो नदी प्रणाली को दर्शाता है. रिवर सिस्टम ऑफ ए एरिया एक क्षेत्र की नदी प्रणाली को दर्शाता है. और इसके अलावा हमने जो है ड्रेनेज इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी पढ़ा कि जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है, भारत का जो प्रवाह प्रणाली है उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है. इट इज डिवाइड इंटू टू पार्ट्स विच इन दिस पार्ट इज हिमालयन रिवर्स एंड देन सेकेंड पार्ट इज पेनिसुलर रिवर्स, जिसमें के एक जो भाग है वो हिमालयी नदी क्षेत्र का है जबकि दूसरा जो है वह प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र का है. हमने इसके अलावा डिवाइडेशन भी देखा, इसमें डिफरेंस भी देखा कि जो हिमालयन रिवर है और जो पेनिसुलर रिवर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं इन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. अब हम भारत के नदी तंत्र प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे जिसे कि दो भागों में विभाजित किया गया है, हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर, हिमालयी नदी क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र. हिमालयन रिवर्स, हिमालयी नदियों के बारे में जब हम बात करते हैं, ये भी हिमालयी नदियां तो इन्हें मेनली तीन पार्ट में, तीन भागों में मुख्य रूप से कितने तीन भागों में विभाजित किया जाता है. इंडियन हिमालयन रिवर्स की जब हम बात करते हैं तो इन्हें कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित किया जाता है. सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी प्रणाली. इंडस रिवर सिस्टम, नेक्स्ट आता है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी प्रणाली, एंड देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालय की से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं जो भारत से होकर बह रही है उनको मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. सिंधु टू इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, सबसे पहले चीज हम देखते हैं इंडस रिवर. इट इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड विथ 2900 किलोमीटर, जो कि देखें कि 2900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए विश्व की लंबी नदियों में अपना शुमार रखती है, अपना नाम रखती है. विश्व की लंबी नदियों में इनको गिना जाता है, जैसे कि अमेजोन है, जैसे कि यांग है, और उनमें से ही एक है सिंधु रिवर है जो कि अपनी प्राचीन सभ्यताओं के लिए भी जानी जाती है. सिंधु नदी के उद्गम की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, इसका उद्गम तिब्बत से होता है. तिब्बत जो कि इंडिया और चीन के बीच में इसे स्थित है, कभी भारत का एक भाग हुआ करता था, छोटा सा एक भाग हुआ करता था तिब्बत है, जो कि अब चीन जिस पर अपना नियंत्रण दर्शाता है तिब्बत, जहाँ पर लेक मानसरोवर यानी कि मानसरोवर झील
मानसरोवर, मानसरोवर झील स्थित है जहाँ से किसका उद्गम होता है, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये सिंधु नदी देखें भी, इंडस रिवर जो कि इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, एंटर्ड इंडिया इन द लद्दाख। देखें कि यह भारत में लद्दाख से ने जो है भारत में प्रवेशित करती है और एक बड़े ही खूबसूरत गॉर्ज का निर्माण करती है। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है, द इंडस रिवर इन फॉर्म ए पिक्चरियस गॉर्ज इन द इन दिस पार्ट, मतलब कि ये जब भारत में प्रवेशित होती है तो ये एक खूबसूरत से गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, इस तरीके का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, इस तरीके के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जब नदियों का जो जल है वो तोड़ फोड़ करते हुए सुंदर सुंदर घाटियों का निर्माण करते हुए, वैली का निर्माण करते हुए जब एंटर करते हैं तो इन्हें गॉर्ज कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, ये गॉर्ज कहलाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडस रिवर है जब ये लद्दाख से एंटर करती है, लद्दाख से जब ये एंटर करती है तो ये किसका निर्माण करती है, ये एक बड़ी पिक्चरियस यानी कि सुरमई, पिक्चरियस का मतलब यहाँ पर होगा सुरमई है, पिक्चरियस का मतलब यहाँ पर होगा सुरमई यानी कि देखने योग्य, ब्यूटीफुल है, देखने योग्य जो गॉर्ज है उसका निर्माण करती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, वो अपने साथ साथ कौन कौन सी नदियों को लेकर चलती है। जास्कर का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, जास्कर नुब्रा श्योक और पूजा, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ये इसकी इसकी इंडस है ना, सिंधु नदी की यह है मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियों की यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर जास्कर की बात की जा रही है, यहाँ पर नुब्रा की बात की जा रही है, यहाँ श्योक और भूजा की बात की जा रही है जो कि जम्मू कश्मीर रीजन है। जम्मू कश्मीर रीजन में देखें कि जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसका जो मेन फ्लो है वह कहाँ पर है, वह ओनली और जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख से होते हुए अंदर आती है, जम्मू कश्मीर में बहती है और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है, है इट इज गोइंग टू पाकिस्तान, यह पाकिस्तान की ओर चली जाती है। और इसका जो मेन पार्ट है वो कहाँ फ्लो होता है, वह पाकिस्तान में फ्लो होता है। इंडस रिवर का, सिंधु नदी का जो मेन पार्ट है, जो मुख्य भाग है, वो कहाँ फ्लो होता है, अधिकांश जो भाग है वह पाकिस्तान में फ्लो होता है, पाकिस्तान में बहता है। मतलब कि 75% अगर मान लो यह है पाकिस्तान में बहती है तो ओनली फॉर 25% यह इंडिया में बहती है, है 25% भाग ही इसका जो है भारत में बहता है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द ऑफ द वर्ल्ड वेट 2900 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो टोटल लेंथ है इसकी 2900 किलोमीटर। ठीक है भैया, 2900 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की कुल लंबाई है, फ्रॉम ओरिजिन टू सी है के उद्गम से लेकर और समुद्र में गिरने तक, ये कितने क्षेत्र को कवर करती है, 2900 किलोमीटर के क्षेत्र को, एरिया को जो है ये कवर करती है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेट इन इंडिया। देखें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा जो भाग है ऑफ द इंडस बेसिन, इंडस नदी का जो छोटा सा भाग है, इंडस बेसिन का जो छोटा सा भाग है, सिंधु नदी का जो छोटा सा भाग है, वो कहाँ स्थित है, वो
इंडिया में स्थित है, जिसमें आप देख लेंगे जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट को देख लेंगे, जिसमें आप पंजाब के कुछ पार्ट को देख लेंगे, ये लेह लद्दाख के कुछ पार्ट को देख लेंगे, ये इन एरिया में होती हुई पंजाब से होती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है, गोइंग टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में चली जाती है, जहाँ मिठानकोट के पास में, देखिए पाकिस्तान में एक स्थान है मिठानकोट, मिठानकोट के पास में ये फिर किसे, इसमें कौन कौन सी नदियाँ, सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये सारी नदियाँ इसके साथ में आकर मिल जाती है। और यहाँ से ये फिर क्या होती है, यहाँ पर देखें बताया जा रहा है रिवर द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, कि यहाँ पर ये फिर क्या होती है कि अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरने से पहले दक्षिण की ओर बहने लगती है, और फिर ये किसमें जाकर मिल जाती है, अरेबियन सी। अरब सागर में ये जाकर मिल जाती है, पाकिस्तान में होती हुई ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंडस रिवर है, ये जो सिंधु नदी है, ये है एक बड़े ही अच्छे मैदान का, जो कहूँ कि उपजाऊ मैदान का, फर्टाइल लैंड का जो है निर्माण करती है, फर्टाइल लैंड को ये डेवलप करती है। बट इसका जो एडवांटेज है, इस फर्टाइल लैंड का जो एडवांटेज है, इस उपजाऊ भूमि का जो लाभ है, वो किसको मिलता है, वो पाकिस्तान को मिलता है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात कर रहे थे, इंडस रिवर वैली प्लेन का जब हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, सिंधु नदी घाटी मैदान के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब हमने इसके बारे में देखा था कि जो सिंधु नदी है, वह अपने मैदान का जो निर्माण है, अधिकांश जो भाग है, वो पार्टीशन के बाद में कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया, और वहीं इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट रिवर आती है गंगा रिवर। गंगा नदी प्रणाली आ रही है, द हॉली रिवर ऑफ इंडिया, जिसे भारत की पवित्र नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, पवित्र नदी भी कहा जाता है, माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो नदी है, ये है स्वर्ग से आई है। हेड वाटर्स ऑफ द गंगा इज कॉल्ड भागीरथी, कि गंगा नदी का जो मुख्य भाग है, हेड वाटर्स मतलब कि जो मुख्य भाग है, जो मुख्य जलधारा है, हेड वाटर्स का मतलब यहाँ पर हो गया मुख्य जलधारा, मेन स्ट्रीम, नाम से पुकारी जाती है, इस कॉल भागीरथी, भागीरथी के नाम से पुकारी जाती है, है? जो कहां से उद्गमित होती है, जो कहां से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगोत्री हिमनद से निकलकर आती है, है कि ये जो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है, जिसे हम भागीरथी के नाम से पुकार रहे हैं, है ये भागीरथी। भागीरथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो गंगा नदी है, पहले स्वर्ग में हुआ करती थी, जिसे राजा भगीरथ के द्वारा जो है अपने प्रयासों के माध्यम से जो है इसको धरती पर लाया गया था, इसलिए इसको जो है भगीरथ के नाम से, भगीरथी के नाम से भी पुकारा जाता है, है? जो कहाँ से उद्गमित होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गमित होती है, कहाँ से, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से जो है यह उद्गमित होती है, ओरिजिन होती है। अब यहाँ से ये उद्गमित होने के बाद में जो है, यहाँ तो ये भगीरथी के नाम से पुकारी जाती है, नियर देवप्रयाग, देवप्रयाग के निकट, वहां की बात होती है भाई, देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, ये देवप्रयाग, देवप्रयाग के निकट
ये क्या होती है, इट इज जॉइंट द अलकनंदा, ये किसके साथ में मिलती है, अलकनंदा के साथ में मिलती है, अलकनंदा नदी के साथ में मिल जाती है, और यहीं से फिर यह गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। तो हियर इज नाउ एज गंगा, हियर आर देवप्रयाग इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो देवप्रयाग नामक स्थान है वहां पर यह अलकनंदा मतलब भगीरथी और अलकनंदा दोनों जब एक साथ मिलती है तो गंगा कहलाती है। ये अब है, यहाँ पर भी ये क्या होती है, यहाँ पर भी ये माउंटेनियस रीजन में जो है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बहती हुई चली आती है। एंड एट हरिद्वार, कहाँ की बात हो रही है भाई, हरिद्वार, हरिद्वार के निकट आकर ये क्या होती है, यह मैदानी क्षेत्रों में बहने लगती है, इमर्ज ऑन टू द प्लेन, यह मैदानी क्षेत्रों में प्रकट होती है, मतलब ये पर्वतों को छोड़ देती है। इट लीव द माउंटेनियस रीजन एंड फ्लो ऑन प्लेन, और ये किस पर बहने लगती है, यह नदी जो है मैदानी क्षेत्र पर बहने लगती है। यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की जब मुख्य सहायक नदियों की बात करते हैं तो उनमें कौन कौन सी नदियों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला नाम यमुना का आ रहा है, दूसरा नाम यहाँ पर घग्गर का आ रहा है, तीसरा नाम यहाँ पर गंडक का आ रहा है, और सबसे एंड में आती है कोसी, द सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, कोसी जो नदी है वो इसके साथ में बहती हुई चलती है, इसकी सहायक नदियों के रूप में बहती हुई चलती है। द फ्लो ऑफ गंगा रिवर, ए फ्लो एरिया ऑफ गंगा रिवर ए 2500 किलोमीटर, कि जो गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह कुल कितना है, 2500 किलोमीटर का है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, है कि ये जो भारत की जो है सबसे लंबी नदियों की अगर जब हम बात करते हैं तो ये वैसे तो फर्स्ट पे आती है, वैसे तो फर्स्ट पे आती है, है इंडिया में अगर मान लो वहाँ फ्लो की अगर अपन बात करते हैं तो वैसे तो ये फर्स्ट पे आती है, लेकिन अगर हम उस तरीके से बात करें कि भाई प्योरली मान लो कि प्योरली बिल्कुल कि जो इंडिया को अगर एक तरफ कर दें और वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें कि जो इंडिया से होकर निकलने वाली नदियां हैं उनमें अगर बात करें तो इंडस को हम पहले स्थान पर रखते हैं, बट अगर हम इन बाउंड्रीज ऑफ इंडिया भारत के बहाव सीमा क्षेत्र के अंदर अगर बहाव की बात करते हैं तो यहाँ पर गंगा नदी का नाम लिया जाता है, जो कितनी लंबाई के साथ बहती है, 2500 किलोमीटर की लंबाई के साथ में बहती है। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में द गंगा रिवर अगेन डिवाइड इन टू ब्रांचेज, है कि जो गंगा नदी है वह पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद फिर से क्या होती है, दो भागों में बट जाती है। वन ब्रांच इज भागीरथी, इसकी एक जो शाखा है भागीरथी कहलाती है, जबकि दूसरी जो शाखा है वह हुगली कहलाती है, हुगली कहलाती है। तो ये जो हुगली है यह तो अलग एक रिवर के रूप में नदी के रूप में बहती रहती है, बट जो भागीरथी है वह मेन ब्रांच के साथ में क्या होती है, ये जो मेन ब्रांच है यह है इंडिया में बहते हुए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की ओर चली जाती है, जहाँ यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलती है, है और इस नाम से मेघना के नाम से पुकारी जाती है, किस नाम से पुकारी जाती है, मेघना। मेघना के नाम से पुकारी जाती है और यहीं पर ये फिर क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में दर्द अंतिम हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
Now, it is third river system of Himalayan region. जैसा कि अब हिमालय क्षेत्र के हम तीसरे नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है. ब्रह्मपुत्र नदी जो कि कहाँ से तिब्बत के निकट है, राइज इन तिब्बत, जो तिब्बत से उत्पन्न और तिब्बत से निकलती है. तिब्बत में कहाँ से निकलती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील के पूर्व दिशा से यह निकल कर आती है. ऑल्सो वी नाउ दैट इंडस रिवर एंड सतलज रिवर आर ऑल्सो राइज इन वेस्ट ऑफ मानसरोवर लेक. जैसे कि यहाँ पर सिंधु नदी सतलज नदी जो है वह भी मानसरोवर झील से निकलकर आती है. लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क क्या आ जाता है कि जहाँ सिंधु और सतलज नदी जो है वो तिब्बत में ईस्ट जो है मानसरोवर झील के पश्चिम दिशा से निकलकर आती है, तो वहीं यह जो नदी है इनकी जस्ट ऑपोजिट यानी पूर्व दिशा से निकलकर आती है. मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका अधिकांश जो भाग है, मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, अधिकांश जो भाग है वो कहाँ बहता हुआ आता है, कहाँ स्थित है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर बहता है या बाहर फैला हुआ है. मतलब कि ये भारत में बहने वाली नदी नहीं है, बहुत कम पार्ट है जो कि इंडिया में फ्लो होता है. ब्रह्मपुत्र का बहुत कम पार्ट है जो इंडिया में फ्लो होता है, इंडिया बहता है. इट एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. ये भारत में जो है कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है. और किस माध्यम से, थ्रू ए गॉर्ज, एक गॉर्ज के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करती है. जहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है, दिहांग. अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा इसे जो तिब्बत में जब यह उत्पन्न होती है, तिब्बत में जब यह ऑर्गेन होती है, तो वहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है. और जब यह बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है तो वहाँ इसे अदमा के नाम से जाना जाता है. दिबांग, लोहित एक्सेट्रा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. जो दिबांग है, जो लोहित है और जो कई अन्य जो नदियां हैं वो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं. जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि इसे तिब्बत में सांगपो और तिब्बत तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से और बांग्लादेश बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है. जैसे कि यहां पर देख रहे हैं ये तिब्बत तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से. और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है. थैंक यू.